सोचें एवं चर्चा करें। ऐसे दो उदाहरण लिखिए जब आप अपने दैनिक जीवन में वस्तुओं के आकार यानी साइज, उसकी आकृति या स्थिति में परिवर्तन करते हो। सोचिए और अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके नीचे बनी तालिका पूरी कीजिए। तालिका के शीर्षक हैं चित्र क्रमांक, क्या हो रहा है, क्या दोनों आकृतियां आकार यानी साइज में समान हैं, क्या दोनों आकृतियों की आकृति समान है, क्या दोनों आकृतियां सर्वांग सम हैं। अब आप चित्र क्रमांक एक पर देखिए जिसमें पलटाने की क्रिया हो रही है। आप देख रहे हैं कि दोनों आकृतियां समान हैं, इसलिए आप यहां पर हां रखेंगे। क्या दोनों आकृतियों की आकृति समान है, यहां भी आप हां कहेंगे। क्या दोनों आकृतियां सर्वांग सम है, बेशक दोनों आकृतियां सर्वांग सम भी हैं। अब चित्र क्रमांक दो को देखिए जिसे हम खिसका रहे हैं। खिसकाने पर दोनों आकृतियां आकार में समान हैं। इन दोनों आकृतियों की आकृति भी समान है, तो यहां भी आप हां करेंगे। क्या दोनों आकृतियां सर्वांग सम है, निश्चित रूप से ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम है। तीसरे चित्र को देखिए जहां पर हम उसे घुमा रहे हैं। घुमाने पर भी दोनों आकृतियां आकार में समान है, इसलिए यहां हां भरेंगे। दोनों आकृतियों की आकृति में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी वो समान है, यहां भी आप हां भरेंगे। और क्या दोनों आकृतियां सर्वांग सम है, आप देख रहे हैं कि आकृतियां सर्वांग सम भी है। चौथे चित्र को देखिए यहां पर समानांतर चतुर्भुज ABCD को बढ़ाकर समानांतर चतुर्भुज A'B'C'D' बनाया गया है। यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों आकृतियों का आकार जो है वो एक दूसरे से अलग है। पहली आकृति छोटी है और दूसरी आकृति बड़ी है, इसलिए आप यहां पर भरेंगे नहीं। क्या दोनों आकृतियों की आकृति समान है, हाँ दोनों आकृतियां समरूप है, और इसलिए आप यहां पर लिखेंगे आकृति समान है, यानी हां। क्या दोनों आकृतियां सर्वांग सम है, दोनों आकृतियां सर्वांग सम नहीं है, आप देख रहे हैं कि एक आकृति छोटी है और दूसरी बड़ी है, इसलिए आप यहां नहीं लिखेंगे। ऊपर बनी तालिका को पढ़कर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मारिया ने कहा चित्र 2-1 पलटाना, चित्र 2-2 खिसकाना और चित्र 2-3 घुमाव में हो रहे परिवर्तन के दौरान दूसरी आकृति पहली आकृति के सर्वांग सम है, जबकि चित्र 2-4 बढ़ाव में साइज बदलने से सर्वांग समता नहीं दिखती। ज्यामितीय आकृतियों के साथ खेलना, यह एक दीवार पर बने बॉर्डर का डिजाइन है, इसे आगे बढ़ाइए। इस बॉर्डर की मूल आकृति जिसको घुमाकर पलटाकर या खिसकाकर पूरी बॉर्डर बनाई जा सकती है, चलिए देखते हैं कैसे। मूल आकृति को पलटाने पर यह यानी बॉर्डर का पहला डिजाइन मिलता है, फिर मूल आकृति को क्रमशः खिसकाने और पलटाने पर दूसरा डिजाइन मिलता है। अंत में घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में 90 अंश घुमाने पर यह डिजाइन मिलता है, जिसे पुनः पलटाने पर यह डिजाइन मिलता है। अब इसी तरह बॉर्डर को और आगे बढ़ाएं। क्या आप इसी मूल आकृति से कोई दूसरा बॉर्डर डिजाइन बना सकते हैं, सोचें एवं बनाएं। अब करके देखें, अपने मन से एक मूल आकृति चुनें और परिवर्तन का उपयोग करते हुए डिजाइन बनाएं।